हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, बचे हुए ऊनी कपड़े से। तो ये पजामी का बचा हुआ कपड़ा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेबल वाला कपड़ा है ये, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा है जो बड़े लोगों की पजामी होती हैं जेंट्स की, उसका नीचे का हिस्सा है ये। और इस तरीके से देखिए, मैंने पहले इसमें से दो पार्ट कर लिए हैं और इस पजामी में से मैं पहले भी कुछ बना चुकी हूँ। और देखिए, अब मैं फिर से बना रही हूँ। तो और मैंने इसका जो नाप लिया है वो 5x5 इंच का लिया है। तो मैं बनाने वाली हूँ बेबी के लिए सॉक्स। तो मेरा बेबी है 4 मंथ का, तो 4 महीने के बेबी के लिए बना रही हूँ। न्यू बॉर्न से लेके आप 6 महीने तक बेबी को पहना सकते हो, 6-7 महीने तक, क्योंकि ये स्ट्रेच हो जाता है ये जो हिस्सा है इसीलिए। और देखिए, इसको अब इस तरीके से फोल्ड करके आपको सिलाई लगानी है। तो कितनी सिलाई लगानी है वो भी मैं अभी आप लोगों को बता दूँगी। तो इसमें हमें सिलाई लगानी है करीब 2 से 2.5 इंच तक। तो देखिए, मैं इसको नाप लेती हूँ कि कितनी हो गई। 2 इंच से लेके 2.5 इंच तक आप कितनी भी लगा सकते हो। तो मैं 2.5 इंच तक इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए, हमारी 2.5 इंच तक इसमें सिलाई लग चुकी है इस तरीके से लंबी। और इस सिलाई को मैं इस तरीके से लगा के निकाल देती हूँ। तो इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी 2.5 इंच तक सिलाई लगा देनी है, मतलब कि आधा पार्ट हो जाएगा हमारा सिलाई वाला और आधा पार्ट हो जाएगा हमारा ओपन, क्योंकि 5 इंच तो है ही है टोटल। तो आधे पार्ट तक आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, इसमें भी मैंने नाप के सिलाई लगा दी है 2.5 इंच की। और अब देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, जो ओपन जो हिस्सा बचा हुआ था हमारा 2.5 इंच का, इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो इन सॉक्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसे केवल आप 5 मिनट के अंदर अंदर बना लोगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इनमें, क्योंकि छोटी छोटी सिलाई लगानी है आपको 4-5, और हमारा ये सॉक्स बन के रेडी हो जाएगा बच्चे के लिए। बहुत ही प्यारा सा भी लगता है, इस तरीके की जूती टाइप में हो जाते हैं ये। और देखिए, साइड से मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई है, नीचे की साइड से हल्का सा राउंड शेप दिया है। और देखिए, यहाँ पे ये पैर डालने के लिए हिस्सा हो जाएगा। अब फ्रंट जो आगे वाला हिस्सा है, यहाँ से हमें इस तरीके से चपटा करके रखना है। और जो सिलाई है वहाँ, उसे हमें बीच सेंटर में लेते हुए दोनों साइड में हमें राउंड शेप दे देना है और सिलाई लगा देनी है। और ये हमारी हो गई ना जूती बनके तैयार। तो इसको मैं सबसे पहले अब सीधा कर लेती हूँ, और अभी मैं आप लोगों को बच्चे के पैर में डाल के भी दिखाऊंगी, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि आई है या नहीं आई है, क्योंकि डाउट तो रहता ही है ना कि परफेक्ट बनी है या ना बनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको सीधा कर दिया। तो बहुत ही प्यारी सी लग रही है ना जूती। अब देखिए, दूसरी वाली भी मैंने सिल ली है। अब मैं अपने बच्चे को पहना के दिखाती हूँ। और गाइज, अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। तो आप देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट आई हैं ये जूतियाँ, बहुत ही प्यारी लग रही हैं बच्चे के पैरों में। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।